नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। मैं सूरज कुमार एक बार फिर आप सबों का स्वागत करता हूं डिज़ाइन अवेयरनेस ड्राइव डैट थिंक लैब्स के इस क्लासरूम प्रोजेक्ट में, जहां पर हम क्लास बाय क्लास स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन को जानें और किस तरह से उस सब्जेक्ट को अपने डिज़ाइन के लिए, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करें। अब जो लास्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है कलर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डाल देते हैं, इसको ही आगे बाई फॉरगेट कर दिया। कुछ लोग शेप और फॉर्म को भी दो अलग अलग एलिमेंट्स दिखाते हैं। मैंने दोनों को एक साथ एक्सप्लेन किया तो वो अलग अलग परसेप्शन होता है, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए जितना मैंने बताया वो आपके लिए काफ़ी है। अगर हम कलर की बात करें, कलर है क्या, कलर आखिर है क्या? अगर आप किसी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट नहीं देख रहे हैं, काला और उजले के फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, एक डार्क और लाइट के फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, बहुत सारे और भी कलर्स हैं और भी उसमें एलिमेंट्स हैं जो कि आपके आँख को हेल्प कर रहा है बाइफरकेट करने में, या फिर आपको ब्लैक एंड वाइट के अलावा उसको और रंगीन बनाता है। तो ये कलर्स होते हैं, और कलर तो नेचर में कहाँ नहीं है, कलर हर जगह है, हर जगह। अगर आप सिंपल सी बात करें, लोग कहते हैं कि एक कलर का मीनिंग क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये बहुत लोग जाकर इंटरनेट पर ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, बहुत टीचर्स लिस्ट बना के देते हैं। हालांकि लिस्ट हम लोग भी देंगे, बट सोचने वाली बात ये है कि लिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, आखिर वो लिस्ट हमें चाहिए क्यों? आप सोच के देखिए, अचानक से मैंने पूछा ग्रीन, आपके दिमाग में क्या आया? ग्रीनरी, लीफ, नेचर, सब दिमाग में आ गया। अचानक से मैंने कहा रेड, सुनते ही आपके दिमाग में ब्लड आता है, या फिर कोई एनर्जेटिक वाली बात आती है, या फिर तुरंत से एक आता है कि रेड लाइट, स्टॉप, डेंजर, या फिर ब्लड, इस तरह की बातें आती हैं। अगर हम ऑरेंज की बात करें तो आप तुरंत से कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ से रिलेट करते हैं, तुरंत से उसको कहीं ना कहीं आप जॉय से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं येलो की मैं बात करूँ तो वो जॉय से रिलेट होता है। अगर मैं तुरंत से बोलूँ कि ब्लू, तो ब्लू इज़ वाटर, स्काई, एंड देयर अबाउट कामनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल कुछ पढ़ने के लिए नहीं है कि कोई आके आपको अचानक से पढ़ के दे दे, नोट्स दे दे, बुक्स में लिखा हुआ मिल जाए। बस सिंपल सा बात है कि जो अगर एक हम ब्लू की बात करें, अगर हम दिमाग में ब्लू कलर लेके आते हैं, चलिए कलर भूल जाइए, ब्लू वर्ड की बात करें, तो ब्लू का एक 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 अपियरेंस रहा है हमारे दिमाग में, हमारे सामने एक पहले से परसेप्शन रहा है कि ब्लू वर्ड एक रंग है जो ऐसा दिख रहा होता है, और वो कहाँ कहाँ दिखता है, ये सोचने वाली बात है कि वो कहाँ कहाँ दिखता है। इस पर आप गौर कीजिएगा कि जहाँ जहाँ दिखता है आपके दिमाग में वो सब रिकॉल होने लगता है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने आपको पहले क्लास में, जो दूसरे क्लासेस में हम लोग रिकॉल वैल्यूज़ की बात की थी, रिकॉलिंग वाली बात हम लोग कर रहे थे, आज वो इस्तेमाल में आना शुरू हो गया है। तो जो भी टॉपिक्स हम ख़त्म कर चुके हैं या फिर ख़त्म करने जाएंगे, वो सब इंटर रिलेटेड है और धीरे धीरे करके इस्तेमाल में आना स्टार्ट होगा। तो अगर हम कलर्स की बात करें तो बस बेसिक ये है कि अगर ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो कलर है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज़ सादा नहीं है तो वो रंगीन है, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर वो बिल्कुल ब्लैक है जो दिखना है, दिखेगा ही नहीं आपको। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप समझें जानें तो आपको समझ में आएगा कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी हम लोग रोज़ हर दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। अब समय है कि उसको इस्तेमाल करके, उसको समझ के, जान के, देख के, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, उसको एक एक फॉर्मल सब्जेक्ट में डाला कैसे गया है, उसको हम जिक्र करेंगे। और अगले क्लास से हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे, और अगले क्लास से ही हम शुरू करेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक का जो क्लास हुआ है ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, और आपके लिए जो टेक अवे है और आपके लिए जो प्रैक्टिस है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर जाके या फिर अभी बैठ के, वो ये करेंगे कि आप इमोशंस, फीलिंग्स, या फिर कीवर्ड्स जो कि ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, कीवर्ड्स जो ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, कोई भी वर्ड जैसे लव, एंगर, पैशन, सक्सेस, ये सब वर्ड्स को आप लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि इन सारे वर्ड्स का एक लिस्ट बनाएंगे। हालांकि देखिएगा मैं बार बार लिस्टिंग की बात करता हूँ,
तो ये लिस्टिंग भूलिएगा मत। सारे लिस्ट बना के आप लेके आएंगे कि आपके दिमाग में कितने इमोशन आते हैं, कितने और कीवर्ड्स आते हैं और क्या आते हैं, सब कुछ आप लिस्ट बना के रखिए। नेक्स्ट क्लास में उस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, और तब हमें समझ में आएगी बात कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन किस तरह से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास रूम में इतना ही, लिस्ट ज़रूर बना के आइएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर नहीं कर चुके हैं तो प्लीज़ कीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन, सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन, आपके हर दोस्तों के तरह पहुँचे, दोस्तों के पास पहुँचे और लोगों के पास पहुँचे और सही लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं इस क्लासरूम के लिए और हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग जानें और समझें कि डिज़ाइन कितना आसान है। अभी तक लोगों ने पैसे कमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को किस तरह से इसको एक सब्जेक्ट में बना के और छुपा के रखा हुआ है कि ये तो इतना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये समझिए ये हमारे लाइफ का हिस्सा है। आपके कभी कोई कॉलेज ये नहीं बोलता कि तुम जा कहीं से कोचिंग करके प्रिपेयर होके आ जाओ, नहीं, कॉलेज चाहती है कि आप खुद अपने आप को जानें, अपने टैलेंट को समझें, आपके सराउंडिंग से सीखें। इसलिए हम लोगों ने इस पूरे क्लासरूम सीरीज में ये किया है कि आपको अपने सराउंडिंग से ही सिखाएंगे, आपको अपने आप जो अंदर है हम उसी को बाहर लेके आएंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है और यही हमारा आइडिया है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। जय हिंद।